आरजेडी चीफ लालू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से क्या कहा, जिसे सुन नीतीश खड़गे अखिलेश से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता ठहाके लगाकर हंसने लगे। राहुल की मां सोनिया गांधी ने लालू से क्या कहा था, जिसे लालू ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच सुनाया। बात मानिए, आपके मम्मी हमको बोलते कैसे हो जाए। लालू से राहुल का प्रॉमिस, जो आपने कहा उसे जरूर पूरा करूंगा। घूमने लगे तो फिर पढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत लीजिए, पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। आरजेडी चीफ लालू यादव सियासत की दुनिया में अपने हाजिर जवाब अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। अपने हाजिर जवाबी अंदाज में वो हास्य विनोद का ऐसा रंग भरते रहे जिसे जिसने भी सुना अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। अरसे से राजनीति में अपनी तबीयत खराब होने की वजह से वो नदारत रहे, तो सियासत से लेकर जनता ने उनके इस अंदाज को मिस किया। लेकिन बैठक में अचानक से लालू ने राहुल से पूछा शादी कब करेंगे, तो वहां मौजूद विपक्षी पार्टियों के नेता हंसने के लिए मजबूर हो गए। बढ़ा लिए हैं छोटा कर लिए। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए, पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चलें और शादी करिए, बात मानिए, आपकी मम्मी हमको बोलते कैसे हो जाए, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा लालू राहुल से पूछ रहे हैं शादी कब करेंगे, तो वहां मौजूद नीतीश खड़गे से लेकर तमाम नेता अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। लालू ने फिर कहा शादी कीजिए, बेसब्री से आपकी शादी का इंतजार है, आपको दूल्हा बनते हुए आपकी मां सोनिया गांधी देखना चाहती हैं, हम सब बाराती की भूमिका निभाना चाहते हैं। और राहुल ने भी लालू से प्रॉमिस किया वो जरूर शादी करेंगे।